ओ भैया, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और अभी जस्ट उठा हूँ और आज थोड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि आज बहुत टाइम बाद थोड़ा फ्री महसूस कर रहा हूँ और बिल्कुल भी मतलब अब थकान नहीं लग रही है। एक वो रहता है ना कि आप जब तक एक हफ्ते में काम कर रहे हो तो आपकी थकान ना मतलब खाली एक दिन में ही खत्म नहीं होती। आपकी थकान ना कम से कम मतलब 2 से 3 दिन तो लगते ही लगते हैं। आराम से सो, फैलो, लेटे रहो, क्या जा रहा है। तो आज ऐसे ही हुआ, लेटा रहा लेटा रहा लेटा रहा लेटा रहा, और जब उठा तो भैया सोचा कि चलो अपने वर्क स्टेशन पे आ जाते हैं, माई स्पेस। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि भैया अपने अपने बेडरूम पे आ जाते हैं। तो आज देखते हैं आज क्या करना। आज वैसे मम्मी कह रही थी कि उनके साथ कुछ शॉपिंग करनी है मम्मी को, तो देखते हैं कहाँ जाते हैं। और आज पता नहीं आज दिन कैसा जाएगा, कुछ नहीं पता। फ्यूचर का मत सोचो, एक ही दिन में जैसे जी रहे हो वैसे जियो, आगे का ज़्यादा सोचते नहीं है, ठीक है? तो वैसे ही रहो। सो वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। ये जो आवाज़ सुनाई दे रही है, अभी तक छत में मरम्मत चल रही है और अभी तक काम नहीं हुआ है। अभी बहुत मतलब अब थोड़ा सा ही बचा है, बट ये है कि अभी टाइल्स लगा रहे हैं तो टाइल्स लगाने में आपको पता ही है कितना टाइम लगता है। और टाइल्स लग जाएंगे तो इतनी आवाज़ें आएंगी नहीं। वैसे तो पता नहीं मतलब सुबह से शाम तक यही आवाज़ आती रहती है, मैं भी इरिटेट अच्छा खासा हो जाता हूँ। बट कोई बात नहीं, काम जैसे चल रहा है उसमें बेटर है कि उनको ना इंटरफेयर करो, उनको तंग ना करो, जल्दी जल्दी काम हो जाएगा, आराम से ऊपर छत पे जाएंगे। और अभी छत पे जा नहीं पा रहे क्योंकि धूल मिट्टी इतनी आ रही है और घर पे भी आ रही है धीरे धीरे, तो सफाई करने में भी टाइम लग जाता है शाम को, और जो भी मेड आती है तो उस वजह से हम लोग को भी दिक्कत इतनी पड़ी जाती है कि भैया धूल मिट्टी निकाल लो चाहे जल्दी। और मतलब कसम से कहा जाए, जैसे आप धूल मिट्टी इकट्ठा करते हो वो पूरा मतलब पहाड़ बन जाता है, इतनी इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी आ जाती है। तो मतलब हम यही सोचते हैं कि कम से कम बंद रखें अपना घर का दरवाजा तो ज्यादा बेटर है, बट वो नीचे नीचे से भी आ जाता है। तो दो हैं, एक तो है पहला एयरलाइन इंडस्ट्री और सेकंड है टूरिस्ट इंडस्ट्री। तो क्या कहें, मतलब ये दोनों बहुत गंदा पिट हैं। और मतलब आपने तो देखा ही होगा बहुत सारे न्यूज़ चैनल में, न्यूज़ वीडियोस में कि इतने सारे वो आ गए, क्या कहते हैं उसको, इतने सारे न्यूज़ आ गए कि बहुत सारे जो टूरिस्ट अट्रैक्शन वाले एरिया थे वो सब मतलब बंद हो गई हैं बिल्कुल। उसमें मतलब लोग आ ही नहीं रहे तो उस एरिया को बंद कर रहे हैं, या वो पूरा एक एरिया ही पूरा खाली हो चुका है और पूरा मतलब जाले वाले आ गए हैं। इतना मतलब टाइम हो गया कि कोई आ ही नहीं रहा तो पूरा खाली पड़ गया, वहाँ का रेंट ही इतना महंगा है। तो ये सोच के देखते हैं भैया क्या हो रहा है, मतलब इकोनॉमी हमारी गिरती जा रही है तो लोग भी इतना सफर कर चुके हैं। अब वैक्सीन आ रही है और भगवान करे कि वैक्सीन जल्दी जल्दी डोजेस फैल जाए और फिर से हमारा पूरा वर्ल्ड नॉर्मल हो जाए, क्योंकि अब अगर नॉर्मल नहीं हुआ ना तो इकोनॉमी पता नहीं कहाँ से कहाँ गिर जाएगी। A few moments later. तो रहे आज वैसे मम्मी को एक बात बताना चाहता हूँ कि आज इडली सांभर का एक्सपीरियंस बहुत खराब गया। क्यों? क्यों क्या? सीन ये हुआ कि मैं इडली सांभर मैंने एक राउंड खा लिया था, प्लेट में पता ही मैं कितनी इडली लेता हूँ, 4 से 5, ठीक है? क्यों स्टार्ट करो? हाँ कर रहा हूँ। दूसरा राउंड लिया इडली का, तो दूसरा राउंड में किया क्या कि मैंने पापा से मंगवाया कि इडली मेरे को दे दो खा लेते अभी। तो पापा ने बोला ठीक है, तो पापा हाथ में ले आए तो हाथ से लेके प्लेट में डाल दिया, ठीक है। मगर उससे पहले क्या हुआ, पापा ने ना संतरा खा लिया था, उसका पूरा पानी वानी सब हाथ में था, तो ये थोड़ा बन गया ऑरेंज फ्लेवर्ड इडली। और उसके बाद जो भैया पेट का जो सर्वनाश हुआ। अच्छा। और गाइस फाइनली अब आ गए हम लोग अपने रूम में और अभी जस्ट थका हुआ सा फील कर रहा हूँ, और पता नहीं क्यों आज वैसे इतना कुछ किया है नहीं, बट फिर भी पता नहीं क्यों इतना थकान सी मतलब फील हो रहा है बहुत ज़्यादा।
तो वैसे तो कोई बात नहीं, चलता रहता है यार, इतना तो थकान चलता ही है, अब जो भी है ठीक है। तो आज काम भी बहुत है, काम किए, और पहला तो प्रोजेक्ट ही था कॉलेज का, तो पहले वो ख़त्म किया, फिर उसके बाद जाके एडिटिंग और अपलोडिंग की। और जैसे कि मैंने कहा था कि मैंने कुछ चेंजेस करे हैं वी टाइप के थ्रू, तो वो बताना कि वी टाइप से एडिटिंग में क्या आपको अच्छा लगा है और कैसा आपको पूरा, मतलब मैंने बहुत ही मतलब मिनिमल चेंजेस मैंने किए हैं और कुछ ज़्यादा मैंने अलग नहीं किया है, और मतलब इन कंपेयर टू काइन मास्टर प्रो। और वैसे तो मुझे पता ही आप लोग देख के ज़रूर पसंद करे होगे और लाइक किया होगा और लोगों को रेकमेंड भी किया होगा, नहीं किया तो प्लीज़ करो, और सही ज़रूरी है। और अगर मेरे को फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ फॉलो करो। मैंने कल इंस्टा पे डाला था, एक कल क्या मतलब आज ही हो गया, कि बहुत मेरे दोनों चैनल के रिव्यूज़ आते हैं, यू नो एट द एंड ऑफ 2020। आई डोंट नो, मतलब ये इनका नया कुछ है, मेरे लिए नया है और आई गेस जो क्रिएटर्स होंगे उनके लिए नया नहीं होगा, उनके लिए पुराना होगा। तो मतलब वो सारे स्टैट्स दिखा रहे थे और मैंने अभी स्क्रीनशॉट्स लिए हुए हैं और इंस्टा पे मैंने ऑलरेडी मैंने सब डाल दिया है, और नहीं चेक करा तो वहीं जाके देखो। और मैं यहाँ इसलिए नहीं डाल रहा हूँ ताकि आप मेरे को इंस्टा पे फॉलो ज़रूर करो, भैया मार्केटिंग के हैं हम बंदे, अकल लगाना जानते हैं, इसलिए हमें पता है कि कहाँ चीज़ कहाँ डालनी चाहिए और कहाँ नहीं। तो मैंने वहाँ पे डाला इंस्टा पे और चेक ज़रूर करना, और मतलब स्टैट्स दिखाए, और मतलब यू नो कभी कभार होता है कि यू नो देर आर सम काइंड ऑफ पीपल जो सिर्फ नंबर्स पे वेरी करते हैं, मैं उनमें से नहीं हूँ। अगर नंबर से ज़्यादा मुझे उस पर वेरी करता है कि मैं अपना क्वालिटी कैसे मैं आप लोग के लिए लाऊं, क्वालिटी ऑफ यू नो वीडियो, क्वालिटी ऑफ एडिटिंग, क्वालिटी ऑफ कंटेंट, क्वालिटी ऑफ और इक्विपमेंट्स जो भी हो सकता है, और मतलब वो मैं चीज़ ज़्यादा सोचता हूँ यू नो, क्योंकि यू नो नंबर्स तब अच्छे लगते हैं जब यू नो जब आप मतलब लोग आपको अप्रिशिएट करें, यू नो मतलब स्ट्रेंजर या फिर कोई नोन पर्सन हो, और जब भी मतलब मैसेजेस आते हैं तो यू नो मतलब एक अच्छा लगता है कि हाँ देर आर सम पीपल, यू नो देर आई विल नॉट से देर आर सम पीपल बट देर आर मैनी पीपल हु लाइक्स माई वीडियो एंड हु अप्रिशिएट्स माई वीडियो, और एंड यू नो एक एक वो अलग ही चीज़ होती है, और बहुत ही अच्छा लगता है जब ये सब चीज़ें मेरे साथ होती हैं, और आई एम श्योर आप लोगों के साथ भी होती होंगी। जब भी आप अपना एफर्ट डालते हो किसी चीज़ में तो आपको जो अप्रिसिएशन मिलता है बहुत अच्छा, तो यू नो और जैसे कि मैंने कहा है लास्ट व्लॉग्स में, यू नो कि मतलब मैं कभी थकूंगा नहीं आप लोग मतलब आप लोगों को थैंक्स कहने में, और मेरा फ़र्ज़ बनता है कि जब मैं आपके लिए बना ही रहा हूँ और आप लोग अप्रिशिएट कर रहे हो, तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि यार कि आप लोगों को ज़रूर आपको थैंक्स बोलूँ, और मतलब आपको भी मतलब ग्रेटफुल फील कराऊँ कि भैया मतलब यू नो ओनली बिकॉज ऑफ यू आई एम हेयर एंड ओनली बिकॉज ऑफ यू आई एम मेकिंग दिस काइंड ऑफ वीडियोज़ की जस्ट फॉर यू, कि आप लोगों को यू नो खाली मेरे यू नो जो भी अच्छी अच्छी चीज़ हो रही है वो उन सब के बारे में भी नहीं, जो मेरे साथ गलत भी हो रही है वो भी आप उसमें हो साथ में, तो यू नो जस्ट फॉर दोज मोमेंट्स यू नो, और मतलब आपके साथ शेयर करने में यू नो एक अच्छा लगता है मेरे को, पॉजिटिव हो नेगेटिव रिकमेंडेशंस हो उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बट यू नो आप जो भी चीज़ बोलते हो भले के लिए बोलते हो, तो इस चीज़ को मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब आप ऐसी चीज़ें बोलते हो, तो आई फील रियली मच यू नो क्या कहें उस चीज़ को, मतलब एक ऐसा लगता है कि मतलब आसपास में मतलब सिर्फ मम्मी पापा ही नहीं है, आसपास में ऐसा बहुत लोग हैं जो मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, तो मतलब थैंक यू हर बार नहीं हर बार बोलता हूँ, बट इस बार क्या करना है, इस बार ये करना है कि अब मेरे को और अच्छे अच्छे कंटेंट लाने पड़ेंगे, और जो कि मैं लाता हूँ, और कभी कभार होता है कि कंटेंट ऐसे दिमाग में नहीं आते, बट फिर भी कोई बात नहीं लाता रहूँगा, और
आपके लिए अच्छी क्वालिटी लाऊंगा इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग एंड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ कंटेंट टू। और यही मेरा एम रहेगा हर दिन एवरी डे, और नॉट जस्ट फॉर एनी स्पेसिफिक डे, एवरी डे फॉर मी। और देखते हैं आगे फ्यूचर कैसा होता है। और फ्यूचर क्या, मैं तो प्रेजेंट पे डिपेंड करता हूँ कि भाई अब आज के दिन कैसे जी रहे हैं हम लोग, तो वैसे ही आप लोग भी जियो, लिव योर प्रेजेंट वाइजली, फ्यूचर आपका बन ही जाएगा। ऑल राइट गाइस, तो टाइम आ गया अब ब्लॉग को ख़त्म करने का। और आई नो कि इस ब्लॉग में कुछ इतना मतलब कुछ ऐसा क्रिस्प नहीं था, और मतलब हर बार यही रहता है ना कि यू नो कि कुछ अच्छा बनाओ, कुछ अच्छा बनाओ आप लोगों के लिए, बट वो कभी बार हो नहीं पाता है। यू नो हम भी एक इंसान है और हमें भी मतलब थोड़ा ऐसा टाइम चाहिए होता है कि यू नो रेस्ट कर सके, ताकि अगले दिन कुछ आपके लिए कुछ ऐसा लाएं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगले दिन कुछ ज़्यादा ही अच्छा होगा, बट यू नो फॉर फर्दर डेज की आपके लिए कुछ अच्छा बने व्लॉग्स और आप लोगों को भी पसंद आए। तो आई नो अब जैसे बनाए हैं, आई नो एंड आई एम श्योर आप लोग ज़रूर इस व्लॉग को ज़रूर पसंद करोगे और इस व्लॉग को ज़रूर उतना ही प्यार दोगे जितना आप मेरे पुराने व्लॉग्स को देते हुए आए हो। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ, बॉयफ्रेंड के साथ, जिसके साथ भी करना हो शेयर ज़रूर करो। और आपको लाल वाला बटन ज़रूर दबाना है इधर, वो है सब्सक्राइब का, तो प्लीज़ सब्सक्राइब हो जाओ जिन्होंने नहीं किया है। और हर बार तो बोलता हूँ कि 1000 सब्सक्राइबर्स पे मतलब यू नो रीच करने में मेरी मदद करो, बट इस बार नहीं कहूँगा, इस बार मैं ये कहूँगा कि अगर आपने हाउ टू गेन सब्सक्राइबर इन देसी स्टाइल अगर नहीं देखा वो वीडियो जाके देखो, और वैसे ही मेरी मदद करो ठीक है सब्सक्राइबर्स बढ़ाने में ठीक है। और जितना टाइम लेना चाहो आप लो, जिंदगी भर व्लॉग चलता रहेगा तो आपको पता ही है, जितना टाइम लेना लो ठीक है। और आपको नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा देना है ताकि आप मेरी वीडियो टाइम पे देख पाओ और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट करते रहो, और मेरी वीडियो हमेशा टाइम पे आती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, एंड अंटिल देन हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट नाइट, आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट टाइम।